अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे या इस तरह की धमकियां देंगे, इसका मतलब क्या है? यू आर आस्किंग फॉर इट। हुकूमत में तो आपके वजीर आला भी है ना। सर मेरी बात सुनिए, इंग्लैंड की मिसाल आपके सामने है मंसूर, इंग्लैंड की मिसाल लें। इंग्लैंड में क्या हुआ मंसूर? इंग्लैंड में क्या हुआ? आपने एहतजाज किया, आपने प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचाया, तो क्या हुआ? भाईजान इंतशारी टोले के साथ यही रवैया अपनाना। जी इंतशारी टोले, मैं बताऊँ आपको, देखिए प्रॉब्लम यही है ना कि आदमी या तो ब्यूरोक्रेसी में या कुछ सियासतदान हो तो सियासी गुफ्तगू कर सकते हैं। जातियात पे मत आना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ सुकून से बात यार, फिर वही बात, जातियात पे मत आना। सर मुझसे जातियात पे वही बात कर रहे हैं, एक एक कर अपनी बात कर, जातियात पे बात ना करना, एक एक बात आप मुझसे बात। देखिए मंसूर साहब, प्रॉब्लम है कि सियासी, सर ये खुद आसमा शिराजी मेरे साथ आ रही है, अजवेर रोड क्रॉस कर रही है, ये शख्स तस्वीर बना के लेता है यार, ये इतनी फेक न्यूज बंदा फैलाता है, और ये इसको शर्म नहीं आती बात करते करनी है ना। नहीं, नहीं, शर्म नहीं आती बात करते मैं फिर वही बता देता हूं, ये आपको भी तजर्बा हो जाना चाहिए, आईदा से आपको भी तजर्बा, बिल्कुल तजर्बा है उनको, आप जैसे लोगों को देख। छोटी सी बात आपके जहन में रख लीजिएगा, मैं फिर बात कर रहा हूँ। अब सियासी आदमी से आप मुझे बिठाएंगे ना तो मैं सियासी तरीके से जवाब दूंगा। सियासत में ना ये बातें होती है, हम उसको कहें कि जनाब पता नहीं क्या हो गया, गाली गलोचम हो, बड़े सख्त से सख्त बातें होती है, लेकिन उसको सियासत से हैंडल करना होता है, यानी ये तरीका नहीं है। आप पे एक बंदा शाउट कर रहे हैं, आप उसको सियासत यार, फिर वही बात, आप जरा एक मिनट क्यों जवाब सुन लेना, जो है वो यार देखे कौशल साहब, जवाब सुन लेना, जवाब सुन लेना, फिर जवाब दे दीजिएगा। हाँ नहीं, जवाब दे, आप जवाब दे, जो असल बात है वो करे ना, दलील नहीं दी, जिससे मैं दलील ही दे रहा हूँ, ये छोड़ दीजिएगा। अगली बात करके बात, मैं अपनी बात देखिए, बात सिर्फ इतनी है ना, अपना अलीमिन गंडापुर ने ये बातें की है ना, की है ना, लॉ विल हैव टू टेक इट्स ओन कोर्स, तरीका यही है ना। मैं बैठ के धमकियों पे धमकियां लगाऊं या इस तरह की गुफ्तगू करूं सर, यानी जिस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं ना, यानी बात फिर वाजी है ना, जो वो एक सूबे के वजीर आला है, आप जाने और आपका काम जाने, आप जाने। एक्चुअली सर इसमें एक और भी इशू है कि गंडापुर साहब ये पहली दफा नहीं है, इन्होंने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से माजी में भी बड़ी बिलो द बेल्ट मेरी गुफ्तगू सुनिएगा ना, होती रही है ना, होती रही है ना, आज परेशानी क्यों? नहीं सर ये बात तो नहीं, सुने ये बात नहीं, पहले दो थप्पड़ मारे हुए तो मैं तीसरे पे रिएक्ट ना करूं क्योंकि तूने दो मारे हैं। मैं बात ये नहीं, ये दलील नहीं है ना, मैं बात ये दलील नहीं दे रहा, आपके पास था ना, आपके पास कानूनी रास्ता था, देखे क्या हुआ, नजम सेठी के बारे में कोई बातें की इमरान खान साहब, उन्होंने डेफिनेशन का अभी तक चल रहा है, डेफिनेशन छूट जाए ना अभी तक, देखिए कानून यही है ना, देखिए बात वट एवर इट इज, या तो आप तार्मिनाइजेशन ले आए, या कहने जी मैं हाथों से निपट लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, इस तरह तो नहीं होता ना काम। आप याद रखिएगा जिंदगी में हमें ना, हमें अदम बर्दाश्त आपके सामने सारा कुछ सामने आ चुका है, अदम बर्दाश्त खत्म करें। मेरी बात फिर वही बात आ गई, आप मुझे ये बताए, मैं देखे मैं आपको एक राय दूं, एक छोटी सी राय दूं, मेरा ख्याल में आपको जलसा करने की इजाजत होनी चाहिए, आपके रास्ता नहीं किसी को रोकना चाहिए, आपको मतलब जिस तरह आपने इस्लामाबाद में हुआ ना आपको करना था, और आपको भी अपने तलफ्फुज़ पे, अपने अल्फाज पे, अपनी तकरीर पे, अपने जुमलों पे ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है दोनों साइडों की, ये अगर सीख लिया होता, आपने ख्वाजा आसिफ के अल्फाज याद है, मैं तो नहीं दोहराऊंगा, किसके बारे में, ख्वाजा आसिफ ने ट्रैक्टर ट्राली गलत है, देखे ना रवायत हमने नहीं कायम की, नहीं रवायत ये ना कहें सर, ये ना कहें, चले मैंने कुछ भी कह दे, देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों की जानिब से जिस किस्म के ट्रेंड चलाए गए हैं ना ट्विटर के ऊपर, मैं उनको ऑन एयर बोल नहीं सकता, सर मैं देखो मैं नहीं बोल सकता, मैं बच्चों को नहीं दिखा सकता, सर मैं वही कह रहा हूँ की यही अल्फाज बुशरा बीबी साहिबा के बारे में, बाकी खवातीन के बारे में, लेकिन कहीं तो इब्तदा होनी है ना, कहीं तो रोकना है ना आपने, अगर आप गाली का जवाब गाली से देना शुरू कर देंगे तो फिर नहीं मसला हल होगा। सर आप मुझे बताइए, अलीमिन गंडापुर साहब वजीर आला है, ठीक है सर, सुन लें इसका जवाब, वजीर आला है ना, वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, मरियम नवाज साहब वजीर आला है पंजाब की, पंजाब की वजीर आला ने क्या अलीमिन गंडापुर या उनके खानदान के वाले से कोई वाहियात गुफ्तगू की है? अगर है तो बता, आपने, मैं फिर बताता चलूं, आपने वो ट्वीट नहीं पढ़ा, मैं इख्तियार वली के बारे में या किसी के बारे में, छोड़ दें, देखिए आप, मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ, अच्छा I'm not defending, ओके मेरी बात को समझिएगा, डिफेंड हो भी नहीं सकता, नहीं वजह क्या, उसकी वजह आप देखिएगा कि ना बैरिस्टर गौहर ने और उमर अयूब ने आकर हमारी एंकर हजरात जो खवातीन है
उनके बारे में माजरत की हाँ। और आके कहा बिला बगाया यानी कोई शर्त नहीं तो की फायदा है सर सवाल नहीं जलसे के 24 घंटे में सर, आपकी लीडरशिप माफिया मांग रही है फायदा क्यों है यही तो बड़ा दिल है ना ये बड़ा दिल है ना गलती की है ना सर गलती की है ना माफी मांगी है ना तारीख में बताइएगा अच्छी बात ये अच्छा जैसे अच्छा और इसको मानना भी चाहिए पॉजिटिव लेकर मुनीब साहब आपकी माफी खत्म कर दूं बात सर मैं आप आगे बढ़ाना चाहते हैं ना आप चीजें खत्म करना चाहते हैं ना चीजें खत्म करने की तरफ अभी तक कोई एक पॉजिटिव स्टेप बता दें मुनीब साहब दसो जितने लोगों को गिरफ्तार कर फेंटी लगा बच्चों के साथ इसके साथ आज एक और बात ऐड करें खान साहब ने अवाम में कहा ना जी नैब में तरमीम करके चोरों को तहफ्फुज़ दिया जाए अच्छा इसका जो आज उन्होंने खुद मांगा मुनीब चौके इस बार बेहतर मेरे से अच्छा जवाब देंगे नैब की तरमीम के खिलाफ पिटीशन फाइल की इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की मैंने खुद कहा यह पिटीशन वापस उन्होंने कहा नहीं मैं लड़ूंगा वो लड़े हैं अब मुझे ये बताइएगा कानून कहता है आपको पता है कि आज नैब ने कहा कि ये केस यहां नहीं बनता यहां से ट्रांसफर कर दे जी जी उन्होंने तो 190 मिलियन सेक्शन 4 में आ गया कि अगर काबीना ये फैसला करेगी काबीना का फैसला अनसरेबल नहीं होगा मैं ये नहीं कह रहा भाई कानून है जब कानून ये कह रहा मैं कहूं या ना कहूं वही कानून जिसको आपने चैलेंज किया था देखिए ना भी चैलेंज किया मैं हार गया नहीं आप वहां पे कहते जी मुझे इसकी प्ली नहीं चाहिए आपके वकील ने ली है प्ली मंसूर भाई आप लोगों ने आज का एनालिसिस सुना और उम्मीद करते हैं आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा शामिल गुफ्तगू थे जनाब अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और साथ में शामिल गुफ्तगू थे मुनीब फारूक साहब सीनियर तरीन एंकर पर्सन हैं और एनालिस्ट हैं उन्होंने अपना एनालिसिस पेश किया और सर मंसूर खान साहब के प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई और बड़े ज़बरदस्त सवाल उनसे पूछे गए तो बहरहाल आइंदा भी इंशाल्लाह ताला आप तक बरवक्त एनालिसिस पहुँचाएँगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा हमारे चैनल पर भी और जो हमारे न्यू व्यूअर्स आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सके अपना बहुत ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद